आज मेरी बेटी का फंक्शन है और हम आए हैं होटल किनास्को में। मैं आपको दिखाऊंगा आज कि होटल किनास्को में अगर आप पार्टी अरेंज करते हैं तो यहाँ का अरेंजमेंट और खाना कैसा होता है। तो चलिए पार्टी शुरू करते हैं। होटल किनास्को शहर के बीचों बीच स्थित अमानीगंज एरिया में स्थित है, जहां पर प्रायः लोग ठहरने के लिए या फिर एक शानदार फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का आनंद प्राप्त करने के लिए आया करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शादी पार्टी इत्यादि फंक्शनों के लिए भी यहां पर उत्तम व्यवस्था है। मैंने अपनी बेटी के फंक्शन के लिए इस होटल का रॉयल हॉल बुक किया था और उसको बुक करने की मेरी तीन वजह थी। पहली तो ये कि यह शहर के बीचों बीच स्थित है, जहां पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से आ सकते हैं। दूसरा, यहां का एम्बियंस और यहां के लोगों की हॉस्पिटैलिटी में शहर का कोई भी रेस्टोरेंट बराबरी नहीं कर सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि यहां का खाने का स्वाद बहुत ही लाजवाब है, जिसकी वजह से ही मैंने इस होटल को चुना। 1100 रुपए पर प्लेट के हिसाब से मैंने इस होटल में बुकिंग की थी, जिसमें खाने के साथ साथ ये हॉल इंक्लूड था। स्टेज डेकोरेशन, कैमरा और साउंड की बुकिंग भी मैंने इस होटल से संपर्क करके की, पर उनके चार्जेस अलग थे। चलिए चलते हैं और अपने स्टार्टर्स की शुरुआत करते हैं। मेरे पैकेज में पास्ता का लाइव काउंटर था, जहां पर मिक्स सॉस पास्ता और वाइट सॉस पास्ता डिलीवर हो रहा था, जिसको बनते हुए देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता था। दोनों का स्वाद लाजवाब था, लेकिन मैं ठहरा देसी आदमी तो मैं पहुंच गया गोलगप्पे के काउंटर पे। चार स्टार्टर की एक शानदार ट्रॉली हमारा वेट कर रही थी, जिसमें चिली गार्लिक हक्का नूडल, चिली मशरूम, स्पिनिच, कॉर्न स्प्रिंग रोल और तंदूरी मलाई टिक्का था। कहने को तो मैं होस्ट था, लेकिन आपके लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो टेस्ट कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी स्टार्ट हो जाए और मुझे वीडियो बनाने का मौका ही ना मिले। तो चलिए सारे स्टार्टर को एक एक करके टेस्ट करते हैं और साथ ही टेस्ट करते हैं हमारी वेलकम ड्रिंक को भी। तो दोस्तों, ये हम लोग ने मोहितो भी ले लिया है, देखते हैं कैसा है। सबसे पहले नूडल्स देखते हैं, अच्छा है, हल्का सा नूडल्स में एक स्मेल है जो कि नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अच्छा है। मोहितो देखते हैं, मोहितो बहुत बढ़िया है, एकदम लग रहा है ओरिजिनल। और ये देखिए, ये है पनीर ट्राई कर, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, हम लोग ले रहे हैं चीज विथ स्पिनिच, ओरिएंटल जैसा थोड़ी अलग है। ओके, और ये है मशरूम चिली, बहुत बढ़िया। इन सब में सबसे अच्छा स्टार्टर चिली मशरूम है, लाजवाब, मजा आ गया। सारे स्टार्टर को खत्म करने के बाद मैं पहुंच गया सूप काउंटर। चलिए आपको बताते हैं कि सूप कैसा है। तो यह है हमारा मनचाओ सूप, देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत बढ़िया। मनचाओ की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें खूब वेजिटेबल्स पड़े होते हैं, वो सब इसमें पड़ा हुआ है। और ये क्रिस्पी नूडल्स आप देख रहे हैं, इसमें कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, अनियन सब पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा। सूप को खत्म करते करते काफी लोग आ चुके थे, जिसके बाद हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर ने बड़े शानदार तरीके से समा बांध दिया। चलिए अब चलते हैं और मेन कोर्स पे फोकस करते हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारा डेजर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है हमारी रसमलाई, आगे देखते हैं स्वीट में क्या है। ये है हमारी जलेबी और रबड़ी, ये हमारा है लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी, नॉर्मल रोटी, ये है हमारी वेज दम बिरयानी, काफी लजीज लग रही है, ये है नॉर्मल जीरा राइस, ये है दाल तड़का, सबको मैं टेस्ट करके भी बताऊंगा।
ये है आलू गोभी मटर। मशरूम मसाला मेरा फेवरेट। पनीर दो प्याजा हम सब का फेवरेट। ये रायता का सेक्शन है, इधर पाइनएप्पल रायता। और ये है हमारा पास्ता सैलेड और यहाँ ग्रीन सैलेड। दोस्तों हमने थाली अपनी ले ली है, सब चीज़ थोड़े थोड़े लिया आपके टेस्ट बताने के लिए। ये देखिए ये है वेज बिरयानी, ये है जीरा राइस, ये है दाल तड़का, ये है गोभी आलू मटर, ये मशरूम है, ये पनीर है और ये रायता है। इसी करके देखते हैं। ये मैंने लिया तंदूरी रोटी, पहले खाते हैं पनीर दो प्याजा। दो प्याजा का मतलब होता है कि थोड़ा स्वीट ग्रेवी हो, हल्की सी प्याज की मिठास होती है, वैसे ही है, बहुत अच्छा। अब देखो दोस्तों, ये है मशरूम हमारी, ये है मशरूम दो प्याजा, सॉरी मशरूम मसाला, मशरूम आ गया। टेस्ट बिल्कुल अलग है, ये हल्का सा बिना स्पाइसी है, जहाँ पनीर दो प्याजा हल्का सा स्वीट साइड में था। स्वीट मतलब ये नहीं कहूँगा कि एकदम स्वीट था, नवाबदार या मखनी ऐसा, लेकिन हाँ अनियन की ग्रेवी थी तो हल्का सा स्वीटनेस थी अनियन की। तो अब देखते हैं गोभी कैसी है हमारी प्यारी। बहुत बढ़िया, अच्छी है, थोड़ी देखने में कम अच्छी लग रही है लेकिन टेस्ट अच्छा है। अब देखते हैं दाल तड़का हमारा कैसा है। अच्छा है, थोड़ा हींग का अलग से फ्लेवर आ रहा है, एकदम ठीक दाल है, लेकिन एकदम ठीक है लेकिन अच्छी है। तो ये हमारा रायता, पाइनएप्पल रायता है, पाइनएप्पल रायता की सबसे बड़ी खूबी होती है कि पाइनएप्पल की खटास और दही की मिठास तो एक अच्छे से बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही है, थोड़ा और स्वीट होता तो और अच्छा लगता लेकिन तुलना के अच्छा। अब देखते हैं हम लोग ये हमारी बिरयानी कैसी है, दम बिरयानी। बहुत बढ़िया, दम का फ्लेवर आ रहा है, इलायची और मसालों की एक एरोमा है, ऐसा नहीं कि चावल में सब्जी मिला के दे दिया है, बहुत बढ़िया है। और ये हमारा जीरा राइस है तो प्लेन है, बहुत अच्छा। कुल मिलाकर मेन कोर्स बहुत अच्छा है, मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मेन कोर्स को आपको मिस नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं फिनिश करता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा डेजर्ट हमारा कैसा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा डेजर्ट आ चुका है, यह है जलेबियाँ, देसी की जलेबी है, बहुत बढ़िया। अच्छे खाने के बाद अगर अच्छा मीठा मिल जाए ना तो लगता है कि फुल स्टॉप लग गया आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा है। यह है हमारी केसरी रसमलाई, दो चीज में मेंशन करूंगा जो सबसे अच्छी है, पहली चीज तो यह कि हल्की मीठी है, नहीं तो बहुत ज्यादा रसमलाई इतनी मीठी होती है कि मुंह बांधती है, ये ऐसी नहीं है। और दूसरा केसर के साथ हल्का सा पिस्ता का एक अरोमा है, एक पिंच ऑफ पिस्ता पड़ा हुआ है जो कि गजब लग रहा है, और साथ में मिला है आइसक्रीम, चॉकलेट चिप्स है, देखते हैं, नॉर्मल आइसक्रीम है, अमूल की है। इन सब में सबसे अच्छा डेजर्ट ये रसमलाई है, जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज किनास्को का ये एपिसोड खत्म हो रहा है। आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। मेरी मानिए तो अगर आप अयोध्या में रहते हैं तो यहाँ पार्टी करना तो बनता ही है,
और यहाँ पर आकर एक अच्छा शानदार अनुभव होगा जैसे मुझे हुआ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।